بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني हम मिसाल के कवायद पढ़ रहे थे, तकरीबन पांच कवायद हमने पढ़ लिए थे। आज मजीद जो कवायद है मिसाल के वो भी पढ़ेंगे, और जहां जहां मिसाल का कायदा जारी होगा वो मकामात और वो सीगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि ये जो कवायद मिसाल के हमने पढ़े हैं ये किन सीगों में जारी होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे सामने जो कायदा है इत्तादा और इत्तसरा का कायदा, इत्तादा और इत्तसरा का कायदा है, इत्तादा और इत्तसरा का कायदा है। ये भी इस कायदे का ताल्लुक इफ्तियाल के फा कलमे के साथ है। इफ्तियाल के कुछ कवायद हम पढ़ चुके हैं, तो इस कायदे का ताल्लुक भी इफ्तियाल के साथ है। जो वाव या इफ्तियाल कलमे इफ्तियाल के फा कलमे के मुकाबले में आ जाए जो वाव या फा इफ्तियाल के फा कलमे के मुकाबले में आ जाए और वो असल में हमजा ना हो, तो उसको ता से बदल कर ता का ता में इदगाम करना जरूरी है। जो वाव या इस्तेमाल के फा कलमे के मुकाबले में आ जाए और वो असल में हमजा ना हो, तो उसको ता से बदल कर ता का ता में इदगाम करना जरूरी है। जैसे इत्तादा असल में इउतादा था, इत्तादा असल में इउतादा था, हमजा ना हो इंशाल्लाह भी बता देंगे। ठीक है, इत्तादा असल में क्या था, इउतादा इफ्तआला के वजन पर, इत्तादा असल में क्या था, इउतादा इफ्तआला इफ्तआला। यहाँ पे फा कलमे के मुकाबले में वाव आ गई, इफ्तियाल के फा कलमे के मुकाबले में क्या आ गया, वाव आ गया। तो अभी हमने पढ़ा कि फा कलमे के मुकाबले में वाव आ जाए या आ जाए और वो वाव या हमजा से तब्दील ना हुआ हो, यानी असल में हमजा हो वाव से तब्दील हो चुका हो। बसा औकात आपने हमने महमूज के कवायद पढ़े थे कि हमजा जो है या से तब्दील हो जाता है या वाव से तब्दील हो जाता है, वैसा ना हो, असल में हमजा ना हो से मुराद क्या है कि वो असल में हमजा होगा और फिर बाद में उसको वाव से या से तब्दील कर दिया गया, ऐसा ना हो, ऐसा वो ना हो। ठीक है, तो इस वाव को ता से बदल कर ता का ता में इदगाम करना जरूरी है। इस वाव को हमने क्या कर दिया, ता से बदल दिया और ता का ता में हमने क्या कर दिया,
इदगाम कर दिया तो क्या बन गया, इउतआदा से इत्तआदा, इत्तआदा। उम्मीद करता हूं कि ये कायदा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे दूसरी मिसाल देखें। इत्तआदा असल में इउतआदा था, ठीक है, और फिर फा कलमे के मुकाबले में, इफ्तियाल के फा कलमे के मुकाबले में वाव आ गया, असल में हमजा भी नहीं है ये, इसको ता से बदल करता कहता में इंतजाम कर दिया। दूसरी मिसाल जो है वो ई तसरा, ई तसरा, इतसरा असल में था ई तसरा, इतसरा असल में ई तसरा था, ई तसरा। अब यहाँ पे आप देखिए इफ्तियाल किफा कलमे के मुकाबले में यह आ गई, इफ्तियाल किफा कलमे के मुकाबले में क्या आ गई, या आ गई है। तो इस या को ता से बदल देंगे और ता का ता में इदगाम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ई तसरा से इतसरा हो जाएगा, ई तसरा से क्या हो जाएगा, इतसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, एक और मिसाल भी हमारे पास है, ई तमरा में ये कायदा जारी नहीं होगा, ई तमरा में ये कायदा जारी नहीं होगा। ई तमरा में ये कायदा जारी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि असल में था ये इतमरा, असल में ये क्या था, इतमरा, इफ्ताला के वजन पर, यानी ये ई तमरा या तो मौजूद है इफ्तियाल किफा कलमे के मुकाबले में, लेकिन असल में ये हमजा है, असल में ये क्या है, हमजा है, हमजा से तब्दील होके ये वापस आया है, हमजा से तब्दील होके या की शक्ल इसने इख्तियार की है। तो गोया कि ये दूसरा पोर्शन जो है हमारे कायदे का, ये इसमें नहीं पाया जा रहा, असल में हमजा ना हो, या असल में हमजा था ई तमरा, तो इस वजह से यहाँ पे ये कायदा जारी नहीं होगा। तो इत्तआदा और इत्तसरा का कायदा भी आपको समझ में आ गया कि जो वाव या इफ्तियाल किफा कलमे के मुकाबले में आ जाए और वो असल में हमजा ना हो तो उसके ता, उसको ता से बदल कर ता का ता में इदगाम करना जरूरी है। जैसे इत्तआदा असल में ई उत्तआदा था, इत्तसरा असल में ई तसरा था, और ई तमरा में ये कायदा जारी नहीं होगा, ई तमरा में ये कायदा जारी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी सबको, अगर समझ ना आई हो तो पूछ लें, अगर इस कायदे की समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। ठीक है, जी दूसरा कायदा अवाइदु, अवाइदु का कायदा, अवाइदु का कायदा, ये भी इंतहाई सिंपल है। जब कलमे में, कलमे के शुरू में, जब कलमे के शुरू में दो वाव मुतहर्रिक, दो वाव मुतहर्रिक आ जाए तो पहले वाव को हमजा से बदलना जरूरी है। जब कलमे के शुरू में दो वाव मुतहर्रिक आ जाए तो पहले वाव को हमजा से बदलना जरूरी है। जैसे ववाइदु, ववाइदु से अवाइदु, ववाइदु से क्या,
अवाइदु। अब यहां पे देखिए दो वाव है हमारे सामने, कलमे के शुरू में आ गए वाइदु, और दोनों क्या है मुतहर्रिक है, तो उनमें से पहले वाव को हमने क्या कर दिया, हमजा से बदल दिया। पहले वाव को हमने क्या कर दिया, हमजा से बदल दिया। वाइदु से ये क्या हो गया, अवाइदु हो गया। जी ई तमरमी रसुन के कायदे के मुताबिक हमजा साकिन को या से बदला है। महमूद की कवायद हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, ये अवाइदु का कायदा भी समझ में आ गया, अवाइदु इसका कायदा भी समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा था, मुश्किल नहीं था। उईदु का कायदा, उईदुनी उईदा, उईदा का कायदा, उईदा का कायदा। जो वाव मजमूम, सिर्फ वाव ना हो, वाव भी हो मजमूम भी हो, कलमे के शुरू में आ जाए, जो वाव मजमून कलमे के शुरू में आ जाए उसको हमजा से बदलना जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि जायज है। पहले जो कवायद हमने पढ़े थे वो जरूरी वाले थे, ये जायज कायदा है, ऑप्शन है आपको कि आप हमजा से बदल दें और चाहे तो तब्दील ना करें। अरे जो वाव मजमूम हो कलमे के शुरू में आ जाए उसको हमजा से बदलना जायज है, जो वाव मजमूम हो कलमे के शुरू में आ जाए उसको हमजा से बदलना जायज है। जैसे वो आयदा को आयदा के वजन पर जो है वो आयदा असल में, वो आयदा असल में वो आयदा था, वो आयदा असल में क्या था, वो आयदा था। अब वो आयदा में देखिए वाव है मजमूम है कलमे की शुरू में आ गया है तो इसको हमजे से बदलना जायज है, वो आयदा भी पढ़ सकते हैं, वो आयदा भी पढ़ सकते हैं। वो आयदा भी पढ़ सकते हैं और वो आयदा भी पढ़ सकते हैं। वाइदा और वो आयदा दोनों पढ़ सकते हैं, ये बात समझ आ गई। अच्छा आखिरी कायदा आखिरी कायदा जो है कुतैबुन, कुतैबुन और महारीबु का कायदा, कुतैबुन और महारीबु का कायदा। कुतैबुन और महारीबु का कायदा ये भी सिंपल सा है, बस थोड़ा इसको तवज्जो से समझे। मिसाल का आखिरी कायदा ये भी सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा इसको समझना होगा आपने। जो अलिफ या तस्गीर, जो अलिफ
या ये तस्वीर या कसरा के बाद आए। जो अलिफ या ये तस्वीर या कसरा के बाद आए जो अलिफ या ये तस्वीर या कसरा के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। जो अलिफ या ये तस्वीर या कसरा के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। जैसे किताबुन, ये क्या है किताबुन, ये जरा तवज्जो से आप सुनाइए, यहाँ पे आपने तवज्जो से सुनना है। यहाँ पे देखिए किताब उनमें या अलिफ नजर आ रहा है आपको, ये कुतिला का जो कायदा है ना कुतिला, उसी तरह इसको समझना है। किताबुन जब इसकी तस्गीर बनाते हैं तो तस्गीर की एक तस्गीर का एक वजन हमारे पास फुआइलुन, ये वजन है हमारे पास तस्गीर का, क्या है हमारे पास इसमें तस्गीर बनाने का वजन है। फुआइलुन भी होता है और फुआइलुन भी होता है। तो किताबुन से जब हम इसमें तस्गीर बनाएंगे तो किताब काफ को क्या कर देंगे, पेश दे देंगे। ये देखें यहाँ पे काफ को हमने पेश दे दिया, ठीक है, और ता को भी जबर दे दिया, कोताई। अब ये जो है या आ गई कोताई। अब यहां पे देखिए अलिफ है, यहां पे अलिफ या के बाद कौन सा हर्फ आएगा, अलिफ आएगा। अब उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता कि कैसे पढ़ेंगे, कानून के मुताबिक जब हम देखेंगे ना कुतैया बुन इस तरह होगा, ये कानून के मुताबिक क्या होगा कुतैया, यानी अजीब सा पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। ये या ये तस्गीर है, ये वाली जो है ना ये या ये तस्गीर है, तस्गीर किया है, यानी जब किताब उनकी तस्गीर बनाती है इसमें तस्गीर बनाते हैं, किताब जो है असल में किताब को बोलता है, कुतई ये बुन छोटी किताब को बोलता है। तस्गीर जब उसमें छोटे अपन के माना लेके आना हो तो उसके कुछ अवजान है, पबल का माना होता है पहले, इस जब इसकी तस्गीर बनाएंगे कुबैल इसका माना होता है कुछ देर पहले, थोड़े देर पहले। रजुल का माना होता है आदमी, रुजैल इसका माना होता है छोटा आदमी। तो ये जब किताब उनकी तस्वीर बनाई कुतई। अब यहाँ पे अलिफ भी है, अब अलिफ जो है या तस्वीर के बाद आए, जो अलिफ या तस्वीर के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। तो यहाँ पे इस अलिफ को हमने क्या कर दिया, या से बदल दिया। तो क्या बन गया कुतई ये बुन, ये जबर है कुतई ये बुन। अब दिया का या में इदगाम कर दिया, ये दो आ गए या एक जिन्स के, इन दोनों का इदगाम कर दिया तो क्या बन गया कुतई ये बुन, कुतई ये बुन। महारिब की मिसाल मेहराब की जमा, असल ये है मेहराब की जमा मेहराबुन, मेहराबुन इसकी जमा क्या आती है महारिब। अब ये मफाइल के वजन पे बनाते हैं इसकी जमा, ठीक है, ये मैं जमा के मुंतहल जुमू जो है महारिब मफाइल। अब देखें महा मफा के वजन पे हो गया, ठीक है, ये दो हर्फ हो गए महा, ठीक है, ये अलिफ जम का अपना है। अब बरा आएगा महा ई री। अब ये देखिए ये जो अलिफ है यहां पे आएगा, पढ़ा नहीं जा रहा महा री, अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ पे
अब इस वजह से इस अलिफ को क्या कर देंगे, या से बदल देंगे और या का या में इदगाम कर देंगे, या से बदल देंगे। बस बस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था ना कि जो अलिफ कसरा के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है। अब यहाँ पे ये अलिफ जो है कसरा के बाद है, इसको हमने इस या से बदल दिया तो मेहराब से महारीब हो गया, मेहराब से महारीब हो गया, मेहराब से महारीब हो गया। ये समझ आ गया आप सबको? कुतय्यिबुन और महारीबों का कायदा समझ में आ गया? जल्दी बोलें, समझ आई कि नहीं? ये भी बिल्कुल कुतिला, जब कुतिला बनाते हैं फिर माजी मारूफ से कातला से, वहां पे वाव आता है पेश के बाद तो उसको अलिफ आता है पेश के बाद तो उसको वाव से बदल दिया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिसाल के कवायद कंप्लीट हो गए, मिसाल के जितने कवायद थे वो क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। अब ये कहाँ कहाँ जारी होता है, ये कवायद जारी होते हैं वो गिनना शुरू कर देते हैं, जहां जहां ये कवायद जारी होते हैं। मिसाल के कवायद कौन कौन से सीगों में जारी होते हैं, ये वैसे ये काम होता है तुलबा और तालिबात का, खुद ये खुद ढूंढे। ये आखिरी कायदा मैंने आपको समझाया था कि कुतय्यिबुन और महारीबों का कायदा, जो अलिफ या तस्गीर या कसरे के बाद आए उसको या से बदलना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किताबुन एक लफ्ज है, जब इसकी हम तस्गीर बनाते हैं तो फुआइलुन की वजन पे कुतय्यिबुन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे या के बाद या तस्गीर के बाद ये अलिफ जो होता है इसको हमने किस से बदलना होता है, या से बदलना होता है। इसी तरह मेहराब लफ्ज है, मेहराब यहाँ पे अलिफ आ रहा है मेहराब, जब इसकी जमा हम बनाते हैं महारीब, तो ये जो मेहराब में जो अलिफ होता है उसको या से बदलना जरूरी होता है, क्योंकि वो कसरे के बाद आ रहा होता है महारीब। ये जो हम रॉ मकसूर है उसके बाद वो अलिफ आता है तो उसको भी किस से बदलना जरूरी होता है, या से बदलना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब ये मिसाल के कवायद जहां जहां जारी होते हैं उन मकामात की निशानदही अब हम करेंगे। सबसे पहले जो ये कायदा जारी होता है फिल माजी मजहूल, हमारे पास अभी हमने कायदा पढ़ा फिल माजी मजहूल वो आयदा, सबसे पहला लफ्ज क्या है वो आयदा, इसमें ओ आयदा वाला कायदा जारी हो जाएगा और ये ओ आयदा हो जाएगा। ये कायदा आपको मालूम होगा, कायदा दोहराने की जरूरत नहीं है, आप खुद दोहरा लेंगे। इसी तरह यईदु फिल मुजारे वादा यईदु, यईदु में कायदा जारी होगा, वाव अलामत मुजारे मफ्तुहा और कसरा के दरमियान आ जाए तो उसको गिराना जरूरी होता है, या वईदु से यईदु, ठीक है। तो फिल मुजारे में भी ये जारी हो गया ईदा ईदुन, इसी जगह ईदुन ईदतुन, ये तो मस्दर है, मस्दर में भी ये क्या होगा जारी होगा, असल में ये वेअदुन था, असल में क्या था वेअदुन था। तो वाव जो है ये फ़ेल उनके वजन पर भी है और फा कलमे के मुकाबले में वाव भी है, तो उस वाव को घिरा कर उसकी जगह आखिर में मुतहरिकल है किया जाते हैं और वाव की हरकत जो है माबाद वाले हर्फ को देते हैं तो ईदतुन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कायदा जारी हो गया। और कौन सा लफ्ज है, अमर में भी ये कायदा जारी होता है, लेकिन अमर में डायरेक्टली ये कायदा जारी नहीं होता,
वो मुजारे से बनाते हैं, तो मुजारे में जब ये जारी हो चुका होता तो डायरेक्टली खुद ब खुद उसमें भी जारी हो जाता, अमर में भी क्या होता है डायरेक्टली खुद ब खुद जारी हो जाएगा। ठीक है, अवाइदु ये कौन सा सीगा है, ये जमा मुअन्नस मुकस्सर का सीगा है, इसमें फाइल का वाइदुन वाइदानी वाइदुना, जब ये अवाइदु वाइदु जब आप निकालेंगे वहां पे तालीम सर्फ जो किताब है आपके पास वहां पे कई सीगे लिखे होंगे जमा के। ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज है हमारे पास मी आयदुन, इसमें आला का लफ्ज जो है मी आयदुन असल में ये इसमें आला है मी आयदुन मी आदुन मी आयदुन, ये तीनों सीगा है। ठीक है, तो यहाँ पे असल में था मी वादुन मी फालुन की वजन पे मी वादुन। ठीक है, तो वाव आ गया कसरे के बाद आ गया तो मियाद उनके कायदे के मुताबिक क्या हो जाएगा मियादुन हो जाएगा, इसमें आलम में भी ये जारी हो गया। इसी तरह वो अदा फुला के वजन पे इसमें तफजील का सीगा है, इसमें तफजील का सीगा है, इसमें उईदा का कायदा जारी होगा। उईदा कि वाव मजमूम शिरों में हो तो उईदा के कायदे के मुताबिक इसको हमजा से भी बदल सकते हैं, उदा और वुदा दोनों तरह पढ़ सकते हैं, उदा और वुदा दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो ये चंद मकामात थे जहां पे ये कायदा जारी होता है, ये चंद मकामात है जहां पे ये मिसाल के कवायद जारी होते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी जारी नहीं होता। आपको मैंने कल भी काम दिया था मिसाल जो है इसकी गर्दानी करने को मैंने कहा था, तो अभी मजीद दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी अवजान है तालीम सर्फ किताब आपको आपके साथ मैंने ग्रुप में शेयर की थी, उसमें सफ़ा नंबर 113 में ये सफ़ा नंबर 112 में ये कवायद भी लिखे हैं, सफ़ा नंबर 113 में ये कुछ मिसालें वगैरह दी है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। बाकायदा सर्फ सगीर भी दी है, सर्फ कबीर भी दी है, आप इसकी पूरी सर्फ सगीर पढ़ें, वजा आयजा वजान फवाजा वजा यूजा वजान फदा का मौजू मा वजा मा वजा आलम यजा आलम यूजा ला यजा उला यूजा उला यजा अल यूजा अल यजा अन ल यूजा अन ल यजा अन ल यूजा अन, ये मुकम्मल आप ये सर्फ सगीर सर्फ कबीर पढ़ें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कहाँ कहाँ ये कायदा जारी होता है और ये गर्दान कैसे करते हैं। ये गर्दान जब आपके मुंह पे चढ़ी होगी तो आप इबारत जो है आसानी से पढ़ सकेंगे, ये इबारत कहीं इबारत में कहीं भी मिसाल का कोई मिसाल की कोई मिसाल आ जाए आप आसानी से पढ़ सकेंगे, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अजवाफ के कवायद पढ़ेंगे, अजवाफ की भी मैंने आपको बताया था तकरीबन 16 के करीब कवायद है, इस तरह ये आसान से मिसाल की आपने कवायद देखे आसान से थे मुश्किल नहीं थे, तो इसी तरह अजवफ के कवायद है, इसी तरह अजवफ के कवायद भी इंतहाई आसान है मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप तवज्जो से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, कोई बात अगर किसी ने पूछनी है ज्यादा नहीं।